जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के हौज खास थाने की टीम ने नौकरानी की हत्या का खुलासा किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस को सौंप दिया। साउथ डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार पुलिस ने 26 सितंबर 2024 को पंचशील पार्क हौज खास की एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी नौकरानी 43,000 रूपए नकद लेकर घर से चली गई थी और उसका मोबाइल नंबर बंद है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने महिला से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी एकत्र की। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता ने एक पार्ट टाइम ड्राइवर को भी काम पर रखा था, जो सप्ताह में 3 दिन उसकी 95 वर्षीय चाची को एक वरिष्ठ नागरिक क्लब ले जाता था। शिकायतकर्ता के घर जाने वाले सभी लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान शक पार्ट टाइम ड्राइवर पर पड़ा। जांच में पता चला कि ड्राइवर जितेंद्र उस दिन दोपहर में ही वरिष्ठ नागरिक क्लब से पहले चला गया था। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि ड्राइवर जितेंद्र पंचशील पार्क के एक अन्य घर में भी काम करता था। ड्राइवर की पृष्ठभूमि की जांच करने पर पता चला कि वह अपने दूसरे नियोक्ता के निवास पर मौजूद नहीं था। स्थानीय सूत्रों को तैनात किया गया और मानवीय खुफिया जानकारी एकत्र की गई। टीम ने तकनीकी स्रोतों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट एकत्र किए और इनपुट को परिष्कृत किया गया। ड्राइवर की तलाश शुरू हुई और अंततः उसका पता चला। जितेंद्र ने शुरू में झूठी जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद उसने नौकरानी की हत्या करने और उसके शव को नोएडा में फेंकने का कबूल किया। आगे की जांच में ड्राइवर के कबूलनामे के आधार पर नौकरानी का शव बरामद किया गया। अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ है। शव एक बोरी में मिला था और नोएडा पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देख रही है। जितेंद्र को नौकरानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मामले में हत्या और सबूत नष्ट करने से संबंधित प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गई है। आरोपी जितेंद्र ने अपने कबूलनामे में बताया कि वह मृतका के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन हाल ही में उनका रिश्ता खराब हो गया था। इस वजह से उसने उसे मारने और पुलिस के पकड़ से बचने के लिए शव को दिल्ली से बाहर फेंकने का फैसला किया। जनमत की पुकार के रिपोर्टर ने डीसीपी अंकित चौहान से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ। साउथ डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ मौजूद है डीसीपी अंकित चौहान जी। जिस तरीके से सर होश खास का जो मर्डर केस को सुलझा लिया है, जिसकी लगातार वीडियो वायरल हो रही थी, तो सर किस तरीके से ये मामला था सर पूरा? होश खास में 26 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेल ने हमें चोरी कर दी है। उसकी एफआईआर रजिस्टर की जाती है सर्वे थे। जब हम इस केस के आगे तफ्तीश में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर जो है वो भी दुपहरी घर में आया था। जब शक किस में ड्राइवर घूमते तो मालूम पड़ता है कि ड्राइवर और मेड के आपस में रिलेशन थे और ड्राइवर ने उस मेड का मर्डर करवा दिया। 3 लोगों ने मिलकर लगभग उसका मर्डर किया उस टाइम। सर मोटिव ऑपरेंडी क्या थे, किस तरीके से क्यों किया, क्या रीजन था सर? मोटिव ऑपरेंडी ये थी कि ड्राइवर जब उस मेड को अच्छी तरह जानता था तो उस दिन 2 लोगों को और लेके आया साथ में, कहता है कि मिस्त्री लोग हैं, उनको रिपेयर वर्क करना है। इस बहाने उसको लेके आया और तीनों ने मिलकर साथ में मर्डर कर दिया। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी अंकित चौहान जी, जिनके मार्गदर्शन में होश खास के मर्डर केस को सुलझा लिया गया। मैं तिलक राज कैमरामैन सोन के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।